नौशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत साइफर केस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अकबर शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड में बिन ढीह की बात कर छी जडे ईमान मसारी के वरी जमानत से आसाद थे बाद बीहर गिरफ्तार कर पो तफसी इन रिपोर्ट में पीटीआई अगवान शाह महमूद कुरैशी के टिन ढीह जिस्मानी रिमांड मुकमिल थे साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया वो इन कैमरा बुधरी का पोए अदालत शाह महमूद कुरैशी के बिन ढीह जिस्मानी रिमांड से एफआईए हवाले कर छो नेब तरफा स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी अदालत में पेश थो जडे शाह महमूद कुरैशी के तरफा बाबर अवान और शोएब शाहीन पेश थे उन मौके से अदालत के बहर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया व्या हुआ और गैर लागापिल मानून के अदालत के कमरे में बाहर कढ़ो वो अदालत रिमार्क्स में चयो त केस में अगभराई नथी त वधीक जिस्मानी रिमांड न डिनो वेंदो एफआईए साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी खां जांच करे रही आहे बुधड़ी दौरान एफआईए शाह महमूद कुरैशी जो वधीक जिस्मानी रिमांड घुरियो जैं ते सनस वकील बाबर अवान जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कई और पंजे दलीलन में मुख्तलिफ आला अदलिया के फैसलन जो हवालो डींदे चयो त शाह महमूद जो साइफर केस सां को तालुक ही नाहे स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह महमूद जो मोबाइल हथ करण लाइ वधीक पंजन डींहन जे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कई जंहिंजी बाबर अवान मुखालफत कई अदालत दौरन जहा दलील बुधन का पोए शाह महमूद कुरैशी के वधीक जिस्मानी रिमांड ते फैसलो महफूज कयो जेको बाद में बुधाईंदे एफआईए की इस्तदा मंजूर कई वही बे पासे पीटीआई की अगूणी अगवान शीरी मजारी की धी ईमान मजारी के एक भेरो बीहर गिरफ्तार कियो वियो इस्लामाबाद की अदालत बगावत और उकसायण वाले केस में ईमान मजारी की जमानत मंजूर कई हुई जैखा पोए खेस अडियाला जेल में आजाद कियो वियो हो ईमान मजारी के अडियाला जेल में आजाद थियण वक्त इस्लामाबाद पुलिस जेल के बाहरिया मौजूद हुई जिते पुलिस खेस बीहर गिरफ्तार कर वरतो इस्लामाबाद पुलिस तरफा फौरी तौर से ईमान मजारी की गिरफ्तारी जो को भी सबब न बुधाया वो है जेल का बाहर इंदे ही इस्लामाबाद पुलिस खेस खड़ी रवानी थी वही जरियन बुधायो तो ईमान मजारी के बारा खऊ थाने में दाखिल थियल केस में गिरफ्तार कियो वियो है ईमान मजारी के गुजरियल हफ्ते अदालत तरनूल थाने में दाखिल केस में जमानत डिनी हुई जैखा पोए खेस अज बगावत के केस में भी जमानत मिली हुई